जी, तो ये मैं आया अपने जैसकैश के अकाउंट में, और यहाँ भी आप लोग बैलेंस देख ले मेरा 79,748। उसके बाद ये मुझे अर्निंग हुई यूट्यूब से विदाउट मोनेटाइजेशन। यहाँ पे मैंने डॉलर्स एंटर किए, $25 एंटर किए, और यहाँ पे ये एक्सचेंज रेट 220, और मुझे टोटल मिलेंगे कितने, 5,402 रुपये। और कंफर्म ट्रांजेक्शन पे मैंने किया क्लिक, और यहाँ पे मैंने बायोमेट्रिक किया अपना। तो अभी आप लोग देखेंगे कि जितनी अमाउंट है 5,402 रुपये, ये मेरे अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएगी। जी, तो यहाँ पे ये देखें, 5,402 रुपये मेरे अकाउंट के अंदर ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे क्रॉस और आएंगे वापस, और यहाँ पे हम अपना बैलेंस करेंगे रिफ्रेश। जी, तो हमारा बैलेंस हो चुका है 85,151 रुपये, हमारे $25 इसमें ऐड हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू शफीक जाफरी ऑफिशियल। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि मैं किस तरीके से यूट्यूब से, ये अर्निंग यूट्यूब की थी, मजे की बात ये बताऊं आप लोगों को, ठीक है। मुझे यूट्यूब से ये चीजें सारी आई हैं, यूट्यूब से मुझे अर्निंग हुई है, विदाउट मोनेटाइजेशन हुई है, किस तरीके से हुई है, और ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म था। अगर मैं आप लोगों को अपने बकाया प्लेटफॉर्म दिखाऊं तो देख के आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा कि किस तरीके से हम यूट्यूब को यूज करते हुए विदाउट मोनेटाइजेशन हम इस तरीके से डेली बेसिस के ऊपर अर्निंग करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं। ये भी मैं आप लोगों को क्लियर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ वीडियो एक बना के दिखा देता हूँ, उसमें मेरे पे आउट्स देख लें कि मुझे डेली बेसिस के ऊपर कितने डॉलर्स मिलते हैं। और ये जो $50 हैं, ये कभी कभार $75 भी हो जाते हैं, कभी कभार $100 भी हो जाते हैं, और कभी कभार बहुत ज़्यादा डॉलर्स हो जाते हैं। ये सब कैसे होते हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्यों होते हैं, तमाम डिटेल्स आज के इस वीडियो के अंदर। तो ध्यान से एक एक स्टेप, एक एक बात गौर से मेरी सुनिएगा। तो जनाब, आप लोगों को याद होगा मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि आप लोग YouTube के लिए, YouTube की वीडियोस के लिए अनलिमिटेड टॉपिक्स कैसे निकाल सकते हैं। याद होगा आप लोगों को, नहीं याद तो कोई मसला नहीं, जब वीडियो खत्म होगी एंड स्क्रीन पे मैं वीडियो दे दूंगा, वो भी बहुत नॉलेजेबल होगी आप लोगों के लिए, इस वीडियो के साथ रिलेटिव है, देख लीजिएगा। लेकिन मैं बात आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। मैंने आप लोगों से ये कहा था कि देखें कि अगर आप लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आइडिया नहीं है कि मैं किस टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं या क्या करूं क्या करूं, या आप लोगों का एक ऐसा चैनल है लाइक मी, आप लोगों का टेक चैनल है जिसके बारे में आप लोग टेक से रिलेटेड या यूट्यूब से रिलेटेड या कोई भी जनरल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आप लोग कोई वीडियोस बनाते हैं, या आपका किसी भी जनरल टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों का चैनल है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि कुछ स्पेसिफिक ऐसे टॉपिक्स हैं जो लाइफ टाइम के लिए आप लोगों को व्यूज भी देते हैं, सब्सक्राइबर्स भी देते हैं, यूट्यूब पे अर्निंग भी देते हैं, और यूट्यूब से हट के अर्निंग भी देते हैं। अब वो कौन से टॉपिक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं। तो ये देखें, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए व्यूज देते रहते हैं, ठीक है। इनके ऊपर सब्सक्राइबर्स की तादाद आप लोग देख सकते हैं, अर्निंग देख सकते हैं, बे इंतहा अर्निंग है, और ये लाइफ टाइम के लिए आप लोगों के व्यूज चलते रहते हैं। इस तरह के बहुत सारे, बहुत ही ज्यादा टॉपिक्स हैं, ठीक है। उस वीडियो के अंदर मैंने ये बातें कवर की हुई हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके की अर्निंग कैसे करनी है, इस तरीके की अर्निंग ऐसे करनी है कि मेरी जान, जब आप लोग इस जो मैं वीडियो एंड पे दूंगा, जब आप उसको फॉलो करेंगे, तो आप लोगों को बेतहाशा टॉपिक्स मिलेंगे। उन टॉपिक्स के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को टारगेट करना है, ऐसे टॉपिक्स को टारगेट करना है जिनके ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग होती हो, करके छोड़ दें, आपका वास्ता ही ना हो, भूल जाए। यकीन करें कि ये पाइनियर की वीडियो से मुझे ये सारा विड्रॉ आता रहता है, और तकरीबन साल हो गया मुझे डेली बेसिस के ऊपर 25, 50, 75, 100, 150, बहुत ज्यादा भी डॉलर्स रिसीव होते रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाए हुए बहुत अरसा हो गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो रैंक करने लगी और उससे फिर मुझे एफिलिएट कमीशन मिलना स्टार्ट हो गया। सेम इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को अपनी होस्टिंग एंड डोमेन की जो सर्विसेज हैं वहां का अपना एफिलिएट कमीशन दिखाऊं, तो आप लोग हैरान परेशान हो जाएंगे। तो ये सारी बातें ये क्यों होती हैं, आप लोगों ने क्या करना है कि चाहे आप लोगों का जिस मर्जी टॉपिक से रिलेटेड है, मतलब कि टैक्स से रिलेटेड है या जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपके है, आपने कुछ ऐसी वीडियोस लाजमी बनानी है। अब देखें कि मेरे चैनल से कोई पाइनियर की वीडियो का ताल्लुक नहीं था, ठीक है। मैंने और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, जो मुझे अर्निंग दे रहे हैं। आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद समझ जाएंगे, जब आप लोगों को ये टॉपिक्स मिलेंगे तो आप समझने लग जाएंगे। तो लेकिन मैंने अपने जर्नल टॉपिक से, मैंने अपने मेन जो टॉपिक है मेरा यूट्यूब या ऑनलाइन अर्निंग, उससे थोड़ा सा हट के ये वीडियोज साथ साथ बनाता गया। इनका क्या फायदा है, इनका एक तो ये फायदा है कि ये मुझे एक तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे चैनल की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, मेरा चैनल इससे ग्रो करता रहता है, सर्च बेस्ड व्यूज मिलते रहते हैं मुझे, और न्यू जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके ऊपर व्यूज आए या ना आए, जो असल आपकी अर्निंग होती है यूट्यूब की, वो आपकी लेटेस्ट वीडियो की बेस पे नहीं बनती,
वो हमेशा आपकी पुरानी वीडियोस की बेस पे बनती है जिनके ऊपर सजेस्ट वीडियो से या सर्च फीचर से व्यूज आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उनकी बेसिस के ऊपर आप लोगों की मंथली जो अर्निंग है वो सेट होती है। तो आप लोगों ने ऐसे टॉपिक्स चूज करने हैं जो आप लोगों को अच्छा एफिलिएट कमीशन देते हो। बना के वीडियो, अच्छी वीडियो बनानी है, क्लासिकल वीडियो बनानी है, जिस टॉपिक के बारे में बता रहे हैं वो टॉपिक पूरा कवर करना है, ताकि यूजर अगर आपकी वीडियो के ऊपर आए तो वो हिले ना, आपकी वीडियो से पूरा प्रॉपर उसको फॉलो करे। और फिर एफिलिएट लिंक जो है, आप लोगों ने जब ऑडियंस को बताना है कि जी इसके ऊपर अगर आप लोगों ने अकाउंट बनाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो डिस्क्रिप्शन में सादा लिंक मौजूद नहीं है, आपका एफिलिएट लिंक मौजूद होना चाहिए। तो आप जब इसको फॉलो करेंगे उस वीडियो को, तो आप लोगों को बेतहाशा टॉपिक्स मिलेंगे। उन स्पेसिफिक टॉपिक्स के अंदर से आप लोगों ने वो टॉपिक ढूंढने हैं जो स्पेशली आप लोगों को एफिलिएट कमीशन देते हैं। लाइक जैसे ये मैंने पाइनियर का बनाया, आपने पेपल का भी बनाना है, स्क्रिल का भी बनाना है, परफेक्ट मनी का भी बनाना है, उसके बाद Wix.com का बनाना है, होस्टिंगर का बनाना है, नेमचीप का बनाना है, बेतहाशा टॉपिक्स है, बेतहाशा, ठीक है। YouTube पे सर्च कर लेंगे टॉप एफिलिएट प्रोग्राम्स कौन से हैं, फिर आपने उनके ऊपर वीडियोस बना के छोड़ देनी है। आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी उनमें से कोई एक दो वीडियोस भी अगर रैंक कर जाती हैं तो वो आप लोगों को अच्छा खासा लाइफ टाइम के लिए एफिलिएट कमीशन देती रहती है। तो ये अर्निंग जो है ये एडसेंस से नहीं हुई, आप लोगों के सामने थी कि कोई एडसेंस से मैंने अर्निंग नहीं की, ये एफिलिएट कमीशन मुझे पाइनियर में आया, फिर पाइनियर से मैंने अपने जैज कैश में ट्रांसफर कर लिया। तो इस तरीके से आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। उस वीडियो को देखें, प्रॉपरली फॉलो करें और इनके ऊपर वर्कआउट करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा, लाफिज पाकिस्तान, पाइंदाबाद।